190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब को गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर दौरान समाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हवाला सामने आया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अगर नैब वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना। जरदारी साहब तो खुद कहते थे कि मुझे जेल भेज दें, पता नहीं उनको क्या था। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें एक मौका दें, हम कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। अदालत ने हिदायत दी कि बुशरा बीबी को नैब गिरफ्तार ना करे, ताहम अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी, जिससे अब चेयरमैन पीटीआई की नैब के हाथों गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है। इस तरह तोशा खान नैब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। ये फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया और नैब के बयान की रोशनी में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। नैब के मुताबिक 190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और अब नैब को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया।